ओ भाई ये रहा दोस्तों नाक, दांत को भी टच कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा दांत, लेदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये रहा पैर, स्ट्रॉन्ग है ना भाई, टावा अच्छी ना, पूरा टावा ना। बस ये लोग भी बोल रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और नोडिया का ढाकन जैसा लग रहा है इसका बॉडी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और बहुत सुबह उठते ही कहीं पर जाने के लिए मैं प्रोग्राम ठीक कर लिया हूँ दोस्तों। और पिछले दो दिन में ब्लॉग्स डाला था, बट मेरा दो ब्लॉग्स को ही यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। दो ब्लॉग्स को ही, पहला वाला ब्लॉग्स का रीजन एलिफेंट, और सेकेंड वाला ब्लॉग्स का रीजन है बच्चा, मेरा भाई का छोटा क्यूट सा बच्चा को मैंने दिखाया था ना, इसी वजह से रिमूव कर दिया गया है। मैं यूट्यूब गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। दो दो ब्लॉग्स, और कल को मैं ब्लॉग्स ही नहीं बनाए हूँ, तीन दिन टोटल में अपडेट किया था दो ब्लॉग्स। एक ब्लॉग्स अनलिस्टेड में ही मेरा रिमूव हो गया, और एक ब्लॉग्स मेरा पब्लिक होने के बाद रिमूव हो गया। दोनों ब्लॉग्स से एक ब्लॉग्स को मैंने डिलीट कर दिया हूँ, और एक ब्लॉग्स है अभी तक स्टॉक है, उसको भी मैं डिलीट कर दूंगा दोस्तों। आज अगर मैं ब्लॉग्स अपलोड करूंगा तो ब्लॉग्स अपलोड करने से पहले वो ब्लॉग्स को भी डिलीट करूंगा। अगर ये ब्लॉग्स में भी मेरा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो को भी अगर रिमूव कर देगा तो दो रिमूव वीडियो मेरा चैनल में रहेगा, तो ऑटोमेटिक एक स्ट्राइक बन जाएगा। तो वो वीडियो को डिलीट करने के बाद ही ये वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। यार मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ एलिफेंट देखने के लिए। हमारा गांव के पास में एक वेस्ट बंगाल गांव में एलिफेंट मारा हुआ है दोस्तों, मर गया है बच्चा या बड़ा फिर से मुझे पता नहीं है, बट मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि इधर एक एलिफेंट मारा है, देखने के लिए आओगे तो आ जाओ। तो उधर ही मैं जा रहा हूँ दोस्तों। सुबह सुबह मुझे ये न्यूज मिला तो मैंने सोचा चलो थोड़ा पास से करीब से देख कर आएंगे। इसे तो हम लोग बहुत बार देखे हैं, बट पास से कभी भी नहीं देखा। ये सब लोग भी एलिफेंट को देखने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारा लोग जा रहे हैं दोस्तों, आगे पीछे जा रहे हैं। गांव का पास में मर गया है ना, डेस्टिनेशन पर मैं पहुंच गया हूं। और देखिए एलिफेंट को देखने के लिए कितना सारा लोग आए हैं, बाइक ही बाइक एक मेला हो रहा है जैसा लग रहा है दोस्तों। देखिए चारों तरफ बाइक ही बाइक, अंदर के साइड कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग देख करके लौट रहे हैं। अभी हम भी चलते हैं, देखते हैं कितना बड़ा एलिफेंट मारा हुआ है, बड़ा है या छोटा पीस है। ओ भाई फिर अच्छे ना, आज पूरा करीब से मैं देखूंगा दोस्त। मैं सोच करके आया हूँ कि थोड़ा बहुत टॉर्च करके आऊँगा। चलो इधर से जाएंगे, शॉर्टकट रोड हम लोग अपनाएंगे। आज सभी लोग पूरा खुल के आराम से देखेंगे दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर आए हैं, तीन चार साल उम्र के, मैं बोल रहा हूँ पाँच छः साल उम्र के बच्चे को भी लेकर आए हैं, और लेडीज भी आए हैं, बुजुर्ग बुढ़िया भी आए हैं देखने के लिए। इलेक्ट्रिक है ये तार में नहीं है, चलो। ओ भाई बहुत जल्दी आया हूँ, मेरा मन में डाउट था कि फॉरेस्ट वाला तो लेकर नहीं जाएंगे। ओ भाई लोग देखिए अभी देखना पड़ेगा पास से। ओ भाई लोग देखिए ना, इधर दुकान वाला भी आया है। देखिए यार आती देखने के लिए लोग आए हैं, और ये मार्चार भी आ गया है पान गुटखा बेचने के लिए। चलो बढ़िया लगा। कहाँ है एलिफेंट, कहाँ है एलिफेंट, कहाँ है? ओ भाई चलो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, मेरा थोड़ा हाइट काम है। ओ भाई ये रहा, घोड़ा
ये रहा। अरे एक तो दूर तक बोला नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आ गए हैं। ओ भाई देखिए दोस्तों आराम से, मेल है या फीमेल है पता नहीं चल रहा दोस्तों, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? टॉर्च करने के लिए मैंने सोचा था बट टॉर्च नहीं कर पाऊंगा जैसा लग रहा है दोस्तों, इतना सारा लोग है, ये भीड़ क्रॉस करके पॉसिबल बात नहीं है, इम्पॉसिबल है दोस्तों। ओ भाई हटते रखिए, थोड़ा साइड दो ना, थोड़ा साइड दो, थोड़ा बहुत साइड दो, मैं खाली क्रॉस करूंगा थोड़ा बहुत। यार लाइफ में फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा हूँ। पास जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे सब लोग देख लो, दूर जगह देख लो, यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्किन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ओ भाई देखिए दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, देखिए स्क्रीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये रहा पैर, पैर का नीचे साइड देखिए, पंजा जिसको बोलते हैं, और वो रहा सूंड, वो रहा दांत, आँख, कान, ये माय हाथी है दोस्तों, फीमेल वाला है। यह दूध शायद बुजुर्ग हो गया था इसी वजह से मर गया है। अरे जरा देखे तो, यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है दोस्तों, बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग। बट एलिफेंट को देख करके एक मन में डाउट आ रहा है दोस्तों, ये आज रात को नहीं मारा है शायद, कल डे के टाइम में मारा हुआ है, क्योंकि इधर देखिए ना कुछ मक्खियाँ बैठे हैं और क्या बोलते हैं दोस्तों, कोड़िया में घूमते रहते हैं छोटे छोटे कल्पिट, देखिए इधर बैठे हैं और उधर से कुछ निकल रहा है दोस्तों। ये रहा देखिए वो पेड़ से, और पेड़ देखिए दोस्तों, एक्चुअली रियलिटी में जब जिंदा होते हैं तब इतना बड़ा पेड़ नहीं दिखता है दोस्तों, ये मर गया है ना इसी वजह से फूल गया है इसका पेड़, बहुत ही बड़ा हो गया है, उसका माथा है नहीं। वाह अरे बहुत भारी है दोस्तों, कान बहुत ही भारी है, बहुत भारी है ना, वेट है सकल लगे देखे। चारों साइड से एक बार देख लेते हैं। अरे हफ्ते देना स्ट्रॉन्ग है ना भाई, टावा अच्छी ना, पूरा टावा ना, बस ये लोग भी बोल रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बाल लेकिन बाल देखिए दोस्तों बहुत ही काम है, बाल बहुत काम, बाल
वो नोडिया का ढाकन जैसा लग रहा है इसका बॉडी, नहीं देखने में भी वैसे ही है और स्ट्रॉन्ग भी वैसे ही है। और ये रहा पूछ, थोड़ा दांत को भी टच कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा दांत, दांत स्ट्रॉन्ग है। और ये रहा आंख, ये रहा कान। थोड़ा सूंड को हम लोग देख लेते हैं। ओ भाई ये रहा दोस्तों नाक, ये रहा मुंह, ये रहा दांत। यार लाइव में हमारे एरिया में फर्स्ट टाइम मारा है हम लोग, करीब से देखने के लिए आए हैं। भगा रहा है कुछ समय के लिए तो हम लोग देख पाएंगे, उसके बाद आप लेकर जाओगे डेड बॉडी को, पास ही जाने नहीं दे रहा है। चारों साइड से घेर लिए हैं दोस्तों, अंदर जा रहा हूँ तो उधर से भी भगा रहे हैं और साइड से तो देख नहीं पा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर आए हैं। सबसे बढ़िया मुझे लगा वो दुकान वाला का, वो आइडिया लगा करके दुकान लेकर आया है दोस्तों, बढ़िया बिक रहा है उसका आइटम। देख लिया कैसा लगा? बढ़िया। टच किया ना? टच नहीं किया। क्यों? डर लगा? डर लगा। जब मैं आ रहा था पापा मुझे बोल रहे थे आप जाओ देखो बट टच मत करो, टच करोगी तो आगे इन फ्यूचर जिंदा वाला एलिफेंट अटैक करने का चांस ज्यादा रहता है, इसे कुछ बोल रहे थे। आ गए एलिफेंट गाड़ी आ गया है दोस्तों। आप क्या शौक कर रहे हो, कैसे मारा होगा? मेरा शौक है दोस्तों बीमारी की वजह से, नहीं तो उम्र हो गया होगा। नहीं उम्र हो गया। ये गाड़ी लेने के लिए लाए हैं या इधर घेरने के लिए लाए हैं? ये बस फास आदमी तो नहीं उठा पाएंगे भाई, एक जेसीपी नहीं तो क्रेन जब तक नहीं लाए तब तक उठा नहीं पाएंगे। और ये गाड़ी भी छोटा है, इसमें लोड करेंगे तो टायर फूट जाएगा, घेरेंगे शायद, इसी वजह से बांस फस लेकर आए हैं। पूरा फका कर लिया देखिए, हम देखी अरे डांग दे रहे आपसे फका हुए नकलुआ, पूरा फका कर लिया दोस्तों। अभी चारों तरफ घेर लिए हैं, देखिए चारों साइड पूरा घेर लिए हैं, थोड़ा डिस्टेंस से देख रहे हैं, पूरा क्लियर ली क्लीन देख पा रहे हैं। फाइनली डेड एलिफेंट को देख करके वापस घर लौट कर आ गए हैं और साथ में नहा भी लिया हूं दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा था। डेड एलिफेंट को मैंने टॉच किया था ना तो मैंने सोचा नहीं नहा धोआ कर ही खाना वाना खाऊंगा, इससे बिना नहा धोआ करके मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, ठीक नहीं लग रहा था दोस्तों, अंजरा टाइप कचरा टाइप लग रहा था। तो मैं नहा लिया हूं और मैं तब बोल रहा था ना एलिफेंट बीमारी की वजह से नहीं तो एज होने के कारण मर गया होगा, बट और भी ऐसे लोग बोल रहे हैं। कल रात को तगड़ा बारिश हुआ था दोस्तों, बहुत तगड़ा, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था और साथ में बारिश की बिजली भी
हुआ था, तो वो बिजली के कारण वो मर गया होगा ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो आप लोगों का मन में क्या आ रहा है आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बता दो, बीमारी के कारण या फिर एज होने के कारण या फिर बारिश की बिजली के कारण मर गया है, जरूर कमेंट करके मुझे बता दो दोस्तों। तो और हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे आज का छोटा सा ब्लॉग, से इतने में हिट करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो और यही दुआ है भगवान को कि आप सबका लाइफ अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों।